उसको बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिसने पूरे मूवमेंट में बाबा साहब को साथ दिया, ऐसा दादा साहब गायकवाड़ का नाम दिया जाए, ये मांग लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं। रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन एक्ट होना चाहिए। वो रिजर्वेशन एक्ट की नेतृत्व में एक अच्छी पहल हुई है। वो पहल ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है वो इस देश में आ रही है। हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी पहल है और उस पहल को मजबूत किया जाए। तो कैसे कर सकते हैं, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आ रहे हैं इस देश के अंदर, उसमें भी दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें जो ओपन कास्ट के लोगों को जो 10% का आरक्षण दिया है उनको भी रिजर्वेशन होना चाहिए, हर एक को उस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जो रिजर्वेशन अभी 10% ओपन के लिए रखा है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी एसटी ओबीसी बीजेएनटी के लिए जो आरक्षण दिया है, वो आरक्षण का उस यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए। ये बड़ी मांग लेकर हम जंतर मंतर पर आए हैं। क्या लग रहा है जो दलित के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा पढ़ाई को लेकर? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आरक्षण नहीं मिल रहा है, हम ये कहेंगे कि आरक्षण मिल रहा है, उसका और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए एक और पहल करने की जरूरत है। सर क्या कमियां नजर आ रही है आपको? अभी जैसे कि ये 70 साल में हमने देखा आरक्षण है, 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी, पर कांग्रेस की सरकार रहने के बाद बैकलॉग पड़ा हुआ है। मतलब बैकलॉग हम देखेंगे 70 साल में तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 के ऊपर बैकलॉग गया है। उतनी सारी नौकरियां ये 70 साल में अगर मिलती थी तो अच्छा लिफ्टअप मिल जाता था बहुजन समाज को, गोर गरीब समाज को। सर एक बहुत बड़ी बात आपने बोली अभी कि आप दलितों के आरक्षण की भी बात कर रहे हैं और जो स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दिया, आप ये नई जो यूनिवर्सिटी आ रही है उनमें उनकी भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। देखो भैया, नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण जो उच्च जाति के लिए जो रखा है, तो जात भले ऊंची हो पर अगर वो फाइनेंशियली पिछड़ा है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, तो उसके बच्चे को कब मौका मिले? पर सर ये जो है इस सरकार ने जो पहल की तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो सोचा, बाबा साहब ने भी यही सोचा ना कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक पड़े, उनको मेन स्ट्रीम में लेके जाए। तो अगर ये सरकार ने ये निर्णय लिया है तो हम उसका स्वागत ही करते। इसलिए इस मांग को लेकर हम आए कि जो यूनिवर्सिटी आने वाली है, फॉरन यूनिवर्सिटी जो इस देश में आने वाली है, अच्छी बात है, हम पैसा खर्च न करें जाके फॉरन में जाकर, यहीं वो सब हमको स्टडी मिले, तो ये जो निर्णय है स्वागत है उसका। पर उसमें अगर हम आरक्षण देते तो सभी टप्पे के लोगों को मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आज बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा मूवमेंट इस देश में किसी ने लेकर गया तो दादा साहब गायकवाड़ है। तानसेन भाई ननावरे ने आपको बताया होगा कि जो पहली फैक्ट्री मिग की जो बनी फाइटर प्लेन की, वो नासिक में बनी, दादा साहब ने बनाई है। तो इसलिए वो मिग फैक्ट्री बनते वक्त जो एयरपोर्ट वहां पर बना, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका नाम कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ को दिया जाए। सफाई कामगार है हमारी दिल्ली में, इतने सफाई कामगार हरियाणा के लोग हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, हमारी बम्बई में भी सफाई कामगार के लोग हैं। बोर्ड नहीं बना अभी तक, एक स्टेट लेवल नेशनल लेवल इनके वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाया जाए, ये मांग लेकर हम आए। सरकार सुनेगी जागेगी? देखो हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी पे भरोसा करते हैं, सबको साथ में लेके जाने के लिए चलते हैं। खामखा हम किसके खिलाफ बात करके वातावरण बिगाड़ना नहीं चाहते, हम एक मांग लेकर आए, और ये मांग अगर सरकार के ध्यान में नहीं आते तो और बहुत सारे तरीके हैं। सभी को साथ लेके आप चलेंगे? सभी को साथ लेके चले, आज जो आपको 50 लोग दिख रहे हैं भाई, मैं आपको सबको बता दूं, उस समय आप भी रहोगे इसी जंतर मंतर पे, इसी जंतर मंतर पे 50,000 लोगों का बड़ा मॉब हम लोग यहाँ पर लेके आए। ओके, थैंक यू। 50,000 लोग।